हे गाइस, तो 25 जुलाई 2022 का एयरफोर्स का पेपर मैथ का कैसा रहा, तो देखिए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 + ω^7 = a ω + b। तब हमें a और b की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 था, x = 4t और y = 2/t, तब डिफ्रेक्शन करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 y = mx + 1 और y² = 4x, तब वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू बता रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर होगा तो c = 1/m होता है, तो c की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, a की वैल्यू भी यहाँ से निकालेंगे, 4a = 4 a = 1, तो 1/m, तो m की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 4, sin θ + cos θ = m, sec θ + cos θ = n, तो n प्लस, ये भी सेल्फ क्वेश्चन आ जाएगा, इसे m² - 1 हो जाएगा, m इसे कर लेंगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, a = यह दे रखा है, इसका k की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, tan³x sec x समाकलन करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, थीटा की वैल्यू ये देखिए, फाइव की वैल्यू ये देखिए, तब ab = -1 आया, तो θ - 5 = क्या होगा। लिमिट का क्वेश्चन आया है, बहुत ईजी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, y = sin²x का 0 से π/2 तक क्षेत्रफल बताना है। और क्वेश्चन नंबर दस के अंदर बोल रहा है SN1 SN2 n, तो वैल्यू ऑफ k बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है, dy/dx = e^(x - y) + x²(e^(y), तब समीकरण ज्ञात करना है। सब ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, कोई चिंता वाली बात नहीं है।